तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल हाइक एजुकेशन में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड के ऊपर। अब आपका एक जल्दी से शॉर्ट रिवीजन दे सकते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर कि अल्ट्रासाउंड क्या है। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट या उससे ज़्यादा होती है। अब ये नॉर्मल ह्यूमन ईयर से डिटेक्ट नहीं हो सकती है। और तीसरी बात कि अल्ट्रासाउंड को कौन प्रोड्यूस करता है, एक ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस करता है। अगर इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो ये प्रिंसिपल बेस्ड है ऑफ पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जो ट्रांसड्यूसर होता है वही इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है जो एक एसी वोल्टेज की फॉर्म में होता है और इसी को ही कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो अभी काम कैसे होता है, क्या प्रोसेस है कन्वर्जन का, वो हम जानते हैं। अब सबसे पहले क्या कहता है, ट्रांसड्यूसर में होते हैं बहुत सारे पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्वार्ट्ज, लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट, रोशेल, सॉल्ट, किसी मटेरियल के बने हुए रह सकते हैं। ठीक है, तो अब जो अपना अल्ट्रासाउंड है, ये जिसमें अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर है, इस पर जब अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड लगती है तो उससे क्या होता है, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के अंदर वाइब्रेशन होने लगती है। उसी वाइब्रेशन की वजह से क्या होते हैं, क्रिस्टल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं। और फिर से जब बार बार क्रिस्टल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं तो उसकी वजह से एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में वेव्स जनरेट होती है, साउंड वेव्स, और उन्हीं साउंड वेव्स को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो ये हुआ अपना बेसिक प्रिंसिपल। तो अब प्रिंसिपल का एक डायग्राम देख लीजिए छोटा सा। अपने सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अपनी ये जो पल्स जनरेटर है, पल्स जनरेटर से अपना एसी वोल्टेज मिलता है, एसी वोल्टेज जाता है ट्रांसड्यूसर में, ट्रांसड्यूसर में जो पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स है, पीजियो क्रिस्टल वाइब्रेट होती है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, बार बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती है, उससे अपनी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होती है। अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होकर अब कहाँ जाती है, किसी भी ऑर्गन के ऊपर, ऑर्गन से फिर यही अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है अपने ट्रांसड्यूसर के ऊपर। ट्रांसड्यूसर में लगा हुआ होता है एक रिसीवर। अब रिसीवर क्या करता है, इसी को ही अपने टाइम गेन कंपनसेशन के द्वारा एम्पलीफाई करवाता है इन्हीं सिग्नल्स को, मतलब एक सिग्नल को 8 सिग्नल 10 सिग्नल बनाता है। फिर एम्पलीफिकेशन से इसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा, फिर स्कैन कन्वर्टर के द्वारा इसको मॉनिटर पे एक इमेज के तौर पे डिस्प्ले किया जाता है। तो ये है अपना बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब और थोड़ी अगर अल्ट्रासाउंड के प्रिंसिपल पर चर्चा करी जाए तो अपनी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है ये बॉडी में जब सेंट होती है तो किससे इंटरेक्ट करती है, अपनी बॉडी की टिश्यूज से। और इंटरेक्ट करने से क्या होती है, ये आपने ये रिफ्लेक्टेड बैक होती है, और रिफ्लेक्टेड बैक होके कहाँ पे आती है, वापस ट्रांसड्यूसर में आती है, और ट्रांसड्यूसर का रिसीवर एलिमेंट इसको कैप्चर करता है। और जब रिसीवर एलिमेंट इसको कैप्चर करता है तो पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होती है, वापस से वाइब्रेट होती है। इन्हीं वाइब्रेशन की वजह से पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स घुमा के इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करती है। ये इलेक्ट्रिकल करंट को अपने जो मशीन होती है इसको एम्पलीफाई करवाती है, और एम्पलीफाई करके इनको एनालॉग सिग्नल्स को इस फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। ये किसका काम है, ये अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का काम। अब अपनी जो एनालॉग सिग्नल्स होती है ये अपने सीपीयू को मिलती है, सीपीयू अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो ये इन्हीं एनालॉग सिग्नल्स को लेता है और इसको डिजिटल सिग्नल्स पे कन्वर्ट करता है, और फिर इसको एक 2D या फिर 2D इमेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाता है अपने मॉनिटर में। अब ये तो हो गई कन्वेंशनल अल्ट्रासाउंड की बात। आजकल एडवांस मॉडर्न टेक्निक्स आ चुके हैं जैसे 3D अल्ट्रासाउंड या फिर 4D अल्ट्रासाउंड, पावर डॉपलर, कलर डॉपलर, जिनके बारे में आपसे आगे की नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो आज के इस बेसिक प्रिंसिपल्स की वीडियो पे आपके लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। चलिए, शुक्रिया।